जबकि इच्छा रोड चौधरी मार्केट के बगल में केक बेकरी में अचानक से आग लग गई। आपको बता दें, आग इतनी भीषण थी कि रात के समय दूर दूर तक आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। आग को देखकर पड़ोसियों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी और सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वही दुकान के मालिक का यह कहना है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग जो थी वो कितनी भयावह थी और उसकी लपटें और जो धुआं है वो साफ तौर पर उसकी भीषणता को जाहिर करता है। फोन बढ़ा के हम गए, 20 मिनट बाद फोन आ रहे हैं कि आपके दुकान में आग लगी है, तो हम तुरंत वहां से निकले। आगे देखा तो यहां पे आग का माहौल चल रहा था बहुत ज्यादा, तो तब आके हमने आग बुझाने की पूरा तैयारी कर, मतलब आग बुझा रहे थे हम, और तब तक गाड़ी भी आए, गाड़ी वाले ने फिर आग बुझाए। बाकी हमारे जो ड्यूटी पे था उस पर बता दिया गया था कि आग लगी है, और जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी आग की सूचना इनके द्वारा फोन से दी गई थी, और तत्काल जो है हमारी फायर यूनिट जो पठानकोट मार्केट में खड़ी हुई थी वो आग बुझाने के लिए हमारे ग्राउंड पर पहुँच गई। इसी के साथ साथ मैं भी अगली दुर्घटना पर पहुँचा हूँ और लगातार फायर फाइटिंग की जा रही है। और वही प्रदूषण को लेकर दीपावली